नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में ताम्बेश्वर मंदिर के पास केंद्रीय राज्य मंत्री। फतेहपुर जनपद की 2 पंचवर्षीय सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने आवास पर जिले के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया को 2024 नव वर्ष की सुप्रीम भेंट देकर सम्मानित करने का फैसला किया और आनन फानन में कार्यकर्ताओं द्वारा शाम जनवरी को फोन घुमाया गया और निमंत्रण हर पत्रकार तक पहुंच गया। पहले 11 बजे सुबह बुलाया गया और फिर 12 बजे समय रखा गया, जिसमें जिले के अंतिम छोर धाता से 11 बजे किराए की फोरव्हीलर कर समय से 12 बजे पहुंच गए। इसी तरह ठंड में सभी पत्रकारों का जमावड़ा लग गया और मंत्री के आवास में तीसरी मंजिल तक सांस भरते पहुंचे पत्रकारों को मंत्री के हौंत उपहार नव वर्ष पर पाने की उत्सुकता देखते बनती थी। खैर, 1 बजे ऊपर पहुंचने के बाद 2 बजे तक एक कचौड़ी, एक छेना और एक चाय और एक छोटी पानी बोतल मिली। कुछ सांसें पुनः उसी रफ्तार में आ गई और जब 2:30 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आते ही बिना कुछ बातचीत के सभी पत्रकारों को 2024 की बधाई देते हुए साल पहनाकर सम्मानित करते हुए नीचे का रास्ता दिखाया गया। आप लोगों को बताते चले कि पत्रकार इतना संकोची और सहनशीलता के घूंट पीकर अपने अपने गंतव्य को फिर रवाना हुए, जो 4 से 5 बजे तक घर पहुंचकर चंदा कर गाड़ी वाले को पेमेंट कर फुर्सत हुए। इस बात की वहां बैठे बहुत से लोगों में कानाफूसी हो रही थी और साल के कम खर्च में एक डायरी और पेन पत्रकारों को ज्यादा महत्व रखता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। लाइन लंबी है। अमित